है, लेकिन याद रखिएगा डर के आगे जीत है। आज हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक्स, यूएस मार्केट कैसे पैन आउट कर रहे हैं और खास करके हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए मार्केट के इस मूव को। चार्ट क्या बोलता है का थर्ड एपिसोड है। आज की तारीख है 15th of March 2022। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हो और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, बहुत जगह आप हैं वहां पर जाके शेयर करिए। और हाँ, अगर मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, जिम में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं, कॉफी में मिलते हैं, जब भी शेयर मार्केट की चर्चा हो, जब भी स्टॉक मार्केट की चर्चा हो, तो हमारे चैनल की चर्चा जरूर कर दीजिए। जल्दी से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, एक नजर डालते हैं डेली के चार्ट पे। डेली चार्ट पे आज आपको जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, आपको एक बेरिश पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और उससे काफी सहम भी गए होंगे कई लोग, काफी घबरा भी गए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि कल हम लोगों ने एक बुलिश व्यू ड्रॉ किया था मार्केट का और हम लोगों ने कहा था कि हमें लग रहा है ऐसा कि मार्केट में बुल्स की वापसी हो चुकी है। और दूसरे ही दिन क्या है कि मार्केट एक तरह से घूम जाता है और एक बेरिश कैंडल को प्रिंट करता है। तो अब हम इसको कैसे हैंडल करें, तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने आपको ये भी कहा था कि हम एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ढूंढ रहे हैं, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि 16,600 से लेकर 16,500 का लेवल जो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और हम अगर निफ्टी करेक्ट करेगी तो हम ये आशा करते हैं कि निफ्टी उन सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करे, राइट। तो एग्जैक्टली वही हुआ। देखिए, निफ्टी ने उन सपोर्ट्स पे आके थोड़ा बाउंस बैक, लास्ट आवर में थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश की, उन सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। लेकिन हाँ, देखिए, सेलिंग के प्रेशर को हम नकार नहीं सकते। सेलिंग, ये जो सेलिंग आई है, ऑफकोर्स एक बड़ा कैंडल बना है, ग्लोबल प्रेशर था ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। जो यूएस के फ्यूचर्स थे और बाहर के मार्केट थे, उनमें काफी सेलिंग आ रही थी। डाउ जोन्स का 200 से 250 पॉइंट नीचे हो गया था डाउ जोन्स के फ्यूचर, तो शायद उसी का एक रिएक्शन था। लेकिन एनीवेज, ये कोई कोई आर्गुमेंट नहीं है, राइट, कि बाहर का मार्केट गिर रहा है तो हमारा मार्केट भी गिरेगा। नहीं, टेक्निकली देखिए ऐसा होता है कि अगर एट अ स्ट्रेच मार्केट बढ़ रहा है, तो आप देखो कि 8 तारीख से लेकर पिछले 8 दिनों में मार्केट ने हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लोज बना रहे हैं। और आज भी मार्केट ने एक तरह से, आप देखो, आज का हाई, कल का हाई था 16,912 और आज का है 16,928, तो एक तरह से हायर हाई मार्केट ने बनाया है। तो देखिए, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अभी मार्केट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, राइट। कोई भी अभी इस तरह की कमजोरी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही। और ऑफकोर्स हम लोगों ने जो पीवेट की बात की थी, हम लोग अभी भी उस पीवेट को ब्रीच करके जस्ट उस पीवेट के आसपास ही फ्लट कर रहे हैं। तो डेली चार्ट पे अगर आप मेरे से मेरा व्यू पूछो, तो आपको मेरे व्यू में अभी भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने जो सपोर्ट को डिस्कस किया था, वो सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। तो आइए एक बार आर्ली चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा सा नजदीकी से देखते हैं उस एरिया को, जिस एरिया की हम बात कर रहे थे। तो ऑफकोर्स देखिए, ये वाला एरिया आपको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 16,600 से लेकर 16,500 का जो जोन है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर निफ्टी में कोई भी किसी भी टाइप की करेक्शन आती है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी इन लेवल्स पे आकर सपोर्ट खाए। तो लास्ट आवर में निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन बनाया अच्छी वॉल्यूम्स पे, तो जैसे लग रहा है कि निफ्टी ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। और उसके अलावा भी अगर आप देखोगे, तो हायर हाइज और हायर लोज का जो सिलसिला है आर्ली चार्ट्स पे, वो चालू है। मतलब कि निफ्टी ने ऐसा कुछ नहीं है कि एक नया लो बना के ऐसे कुछ नया लोअर लो या लोअर हाई बनाया, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर अभी भी पूरा इंटैक्ट है। तो मेरे ख्याल से अर्ली चार्ट्स पे जो हमारी आर्गुमेंट्स है, जो हमारे लेवल्स हैं, हम उन लेवल्स पे अभी भी स्टिक कर रहे हैं कि जब तक ये जो लेवल्स नीचे के लेवल है 16,500 का लेवल, जब तक इंटैक्ट है, जब तक हम अभी कोई भी बेरिश व्यू मार्केट में नहीं लेके आएंगे। और एक और चीज आप ध्यान से देखिए कि जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर की हम बात कर रहे थे कल, जब मैंने आपको दिखाया था, वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर अभी भी इंटैक्ट है। कोई किसी भी तरह का इसमें ये नेगेशन नहीं हुआ है। एक ब्रेकआउट होकर नेक का, नेकलाइन का जो रीटेस्ट हो रहा है, वही हम लोगों को देखने मिल रहा है। ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट देखने को मिल रहा है, जो बहुत ऑब्वियस होता है टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल जो अच्छे सेटअप्स होते हैं, जनरली
अपने ब्रेकआउट पॉइंट्स को टच करने के लिए वापस आते हैं और वही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अब अगर फ्रेंड्स यहाँ पर इस इन लेवल्स को अगर निफ्टी होल्ड कर जाती है तो हम 17,500 के आसपास का जो लेवल है उसको ध्यान में रख सकते हैं कि नेक्स्ट जो मूवमेंट आ सकती है वो 17,500 के आसपास के लेवल्स की आ सकती है। तो हमें यही प्रीव्यू बना के चलना है प्रोवाइडेड सपोर्ट्स अगर होल्ड कर जाए। सपोर्ट होल्ड करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। देखिए बुल मार्केट में सपोर्ट्स ही देखने चाहिए, जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तो सपोर्ट देखना चाहिए, जब मार्केट नीचे गिरता है तो रेजिस्टेंस देखना चाहिए। तो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें ये देखना है कि मार्केट क्या सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करता है मार्केट तो उसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ होती है और ऊपर बढ़ने की जो आशा होती है, ऊपर बढ़ने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ज्यादा होता है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देखिए एग्जैक्टली सेम चीज हुई, हायर हाइज बनाए। देखिए आप इस चीज को तो नहीं निकाल सकते कि हायर हाइज और हायर लोज बनाए, और एक वही जो हम लोगों ने कल आपके साथ सपोर्ट डिस्कस किया था उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने और उसके बाद वहां से एक बाउंस दिया। तो आर्ली चार्ट पे आते हैं और आर्ली चार्ट पे आप देखिए जो डाइवर्जेंस हम लोगों ने आपको कल दिखाया था, कल के एपिसोड में आपके साथ हम लोगों ने बात की थी कि एक डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में बन रहा है और हो सकता है कि ये डाइवर्जेंस की वजह से थोड़ा सा करेक्शन हम लोगों को देखने मिले, और वही हम लोगों को देखने मिला। और वो सपोर्ट के लेवल के पास, जो सपोर्ट लेवल्स की बात कर रहे थे, 34,700 का लेवल्स याद है, मैंने बार बार रिपीट किया था 34,700 से लेकर 34,500। तो उन लेवल्स को अभी लास्ट आवर में रिस्पेक्ट किया, जस्ट उन लेवल को किस करके बैंक निफ्टी वापस ऊपर मूव कर रही थी। तो हमारे सपोर्ट्स जो हैं वो रिस्पेक्टेड हुए हैं। तो अभी हम फिलहाल और कोई लेवल्स की बात नहीं करेंगे एज लॉन्ग एज आर लेवल्स आर होल्डिंग। अगर ये लेवल टूट जाएंगे देन ऑफ कोर्स कल हम आके आपके साथ दूसरे लेवल डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी एनालिसिस में अभी कोई भी चेंज नहीं है, राइट। और ये यहाँ पर भी देखिए जो ऊपर का टारगेट हमारा इंटैक्ट है 37,800 का और 37,300 का, ये लेवल जो है ऊपर के लेवल अभी भी इंटैक्ट है। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मुड़ती है, मुड़ाव आता है, तो हम ये इन लेवल्स पे नेक्स्ट जो हम बोल सकते हैं सप्लाई हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो फॉर्मेशन था बैंक निफ्टी में भी वो बिल्कुल इंटैक्ट है। तो यहाँ पर भी इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन में कोई भी कमी हमें नहीं दिखाई दे रही, ना वो नेगेट हुआ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ओके, तो बैंक निफ्टी निफ्टी का ट्रेंड दोनों सेफ साइड में है। अभी हम कुछ भी अजम्पशन नहीं करेंगे कि कमजोरी आ गई है या बेयर्स आर बैक और यहाँ पर गिर जाएगा, फेड क्या कर रहा है, फेड नहीं क्या कर रहा है, यार ये फेड के चक्कर में तो हम फेड अप हो चुके हैं, राइट। तो मैं यही बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने कैप्शन भी आज यही दिया कि आई एम फेड अप, राइट। सब फेड अप है फेड के चक्कर में। तो ये सब जो वोलेटिलिटी है वो एक तरह का शेकआउट मूव हम बोल सकते हैं कि आज एक शेकआउट करने की कोशिश की गई है। तो अभी स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है। एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, और मैं आपको नैसडैक का इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ कि नैसडैक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है और नैसडैक एक ऐसा इंडेक्स है जो जनरली हमारे जितने भी बाहर के ट्रेडर्स हैं, जो बाहर के ट्रेडर्स हैं वो नैसडैक को एक तरह से जो मेन की या मेन एंकर इंडेक्स मानते हैं मार्केट्स के लिए, राइट। तो आप यहाँ पर नैसडैक के चार्ट्स को मैं जब भी खोलता हूँ ना, या यूएस के मार्केट के जब भी चार्ट को खोलता हूँ, मुझे यहाँ पर ट्रिपल डाइवर्जेंस दिख रही है फ्रेंड्स, ट्रिपल बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है। मतलब कि जो मोमेंटम है वो बॉटम बनाने को राजी है ही नहीं। आप यहाँ पर देखो मोमेंटम जो है वो बॉटम बनाने को राजी नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि हर बार यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस मिल रहा है और हर बार मोमेंटम के वजह से प्राइस जो है ऊपर की तरफ पुश हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो रेंज है ये रेंज भी कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देता है। आप यहाँ पर देखो ये रेंज जो है वो भी जो नीचे गिर रहा है ना उसकी रेंज को आप देखो, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देता है, राइट। तो ये देखिए रेंज भी कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो लोग बात करते हैं ना वो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न और वगैरह सब पैटर्न्स की, तो वो सब कुछ नहीं है, यही सब है। जो जहां पर प्राइस टाइट हो जाए, जहां पर रेंज टाइट हो जाए, वही कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न होता है, वही वहीं पर वीसीपी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न वगैरह सब बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी है हम, और नैसडैक हमें यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है। अगर ओवरनाइट हमें एक पॉजिटिव क्लोज मिलता है, राइट, नैसडैक में, तो हम यूएस मार्केट को अभी सेफ ही मानेंगे। यहां से अगर टूटता है फ्रेंड्स, जब थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप यूएस 30 को भी देखोगे, डाउ जोन्स को, उसमें भी वापस एक अच्छा पुल बैक आया। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि इंट्राडे जब हम दोपहर में जब अपने मार्केट्स को देख रहे थे, इंडियन मार्केट्स को देख रहे थे, उस समय नीचे गिरा था 200 पॉइंट की
इसमें गिरावट आई थी 200 से ज्यादा पॉइंट की, लेकिन अभी रिबाउंड कर गया है। अब यहाँ पर देखो अच्छा अच्छा रिबाउंड किया है लोस से, वैसे ही S&P 500 ने अच्छा रिबाउंड करके हम लोगों को दिखाया है। तो यूएस मार्केट अभी स्ट्रांग लग रहा है और ऑफकोर्स जो वोलेटिलिटी है वो बरकरार रहेगी क्योंकि फेड का अनाउंसमेंट और वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग विल वे इन, तो वोलेटिलिटी विल बी देयर, एवरीथिंग विल बी देयर। सो हम लोगों को देखना है कि ओवरनाइट कैसा बिहेव करता है मार्केट्स, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कल का हमें समझ में आए कल कल कैसा हमारा मार्केट बिहेव करेगा, वो उसी पर डिपेंड करता है। SGX अभी देखिए 230 पॉइंट ऊपर है, लेकिन SGX को मैं ज्यादा बेस नहीं मानता क्योंकि जनरली ये ट्रेडर्स को काफी डांस कराता है ये SGX, राइट। अभी आप 229 पॉइंट देख रहे हो, कल सुबह उठ के देखोगे 200 पॉइंट माइनस हो जाता है जनरली, तो अभी पॉजिटिव है। तो जिस समय मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव बायस हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर SGX के चार्ट को भी देखोगे तो आप यहाँ पर भी एक फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छोड़िए, अब हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। जो स्टॉक्स हम लोगों ने आपके लिए चुन के रखे, आप उन स्टॉक्स को एनालाइज करिए, उन स्टॉक्स को स्टडी करिए, अपने लेवल्स खुद निकालिए, ट्रेड करिए। हमारा डिस्क्लेमर ये है कि उन स्टॉक्स में हो सकता है हमारी पोजीशन है, उन स्टॉक्स में हो सकता है हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप बिना किसी एक एक्सपर्ट एडवाइस के, बिना अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह की ट्रेडिंग हम लोगों के एडवाइस से मत करिए। हमारा जो भी मटेरियल हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं या कहीं पर भी अपलोड करते हैं, किसी भी मीडिया पे अपलोड करते हैं, वो सिर्फ आपको एडुकेट करने का हमारा पर्पस होता है और कुछ नहीं, राइट। हम किसी भी तरह का टिप्स, किसी भी तरह की रिसर्च वगैरह हम कुछ नहीं बेचते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं सेंचुरी प्लाई पे। सेंचुरी प्लाई के चार्ट को अगर आप देखोगे, आज का चार्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से ये निकला है, और यहाँ पर देखिए आज एक अच्छा ब्रेकआउट सेंचुरी प्लाई में हम लोगों को मिला। ये मैंने आज ट्रेड किया था और इंट्राडे थोड़ा सा वोलेटाइल होने के कारण मैं इससे निकल गया, लेकिन हाँ आज के दिन एक इंट्राडे भी मुझे इसमें 5% का गेन मिला है, और मैं वापस इसमें अपनी एंट्री अटेम्प्ट करूंगा मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे चांस मिलता है तो। तो यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा पैटर्न है, ये एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन है और अच्छा पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट मिला। वॉल्यूम देखिए बहुत जबरदस्त है ब्रेकआउट में, और ये सब वॉल्यूम देखिए यहाँ पर इनिशियली जब ये स्टॉक पिकअप कर रहा था उस समय ये वॉल्यूम्स देखने को मिली थी। तो सेंचुरी एक प्लाईवुड एक ऐसा स्टॉक है जो अपने वॉचलिस्ट पे रख सकते हो। मोमेंटम भी बहुत अच्छा है दिखाई दे रहा है, मोमेंटम देखिए कितने दिन के बाद ब्रेकआउट होकर निकला है। तो सेंचुरी इज अ स्टॉक दैट यू कैन कीप इट इन योर वॉचलिस्ट। नेक्स्ट स्टॉक जो हम देखेंगे पावर इंडिया। पावर इंडिया जनरली जो पावर इंडिया हिटाची एनर्जी वाला है, ये भी अभी आप देखो आज का जो प्राइस एक्शन है वो काफी बुलिश रहा, और लास्ट देखिए 2-3 दिनों से जो सेलिंग है वो पूरी ड्राई अप हो गई है। और यहाँ पर आप देखिए एक तरह से यहाँ पर एक सपोर्ट के पास, राइट, SR फ्लिप सपोर्ट के पास ब्रेकआउट होकर वापस रीटेस्ट कर रहा है, और ये कंटिन्यूएशन टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है, ये कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पर बनाया है। तो ऑफकोर्स लग रहा है कि यहाँ से ये मूवमेंट देगा, तो आप इसको अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हैं, और लेवल्स आप अपने आप कोशिश करिए निकालने की, या आपने जिससे सीखा है उनसे जाके पूछिए कि कौन से लेवल्स इसके लिए ऑप्ट होंगे ट्रेड करने के लिए। तो ये हिटाची एनर्जी जो ये स्टॉक जो आपको अपने वॉचलिस्ट में रखना है, पावर पावर इंडिया बेसिकली। नेक्स्ट स्टॉक अगर आप देखो एंजल, एंजल वन में भी बहुत अच्छा मूवमेंट आज दिखाया। देखिए एक बहुत बड़ा सॉलिड कैंडल एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मिला, और अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये ट्रेंड लाइन जो है आपको ब्रीच होती हुई दिखाई देगी। अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ये मूवमेंट आई है, देखिए ये सब देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये सब कॉन्ट्रैक्शन, ये ट्राइंगल नहीं है फ्रेंड्स, वो ट्राइंगल कभी मत बोलिएगा, ये ट्राइंगल ब्रेकआउट है ही नहीं और ना ये ट्राइंगल है। बहुत बड़ी गलती है, मैं देखता हूँ मैक्सिमम जो हमसे भी सीखने आते हैं ना, जो हमारे मेंटीज हैं वो भी इसको ट्राइंगल बता देते हैं, और जिससे सीख के आए हैं, और बड़े बड़े ट्रेडर्स और जो बड़े बड़े ट्यूटर्स जो हैं ट्विटर पे हैं या लिंक्डइन पे हैं, सोशल मीडिया पे, कहीं पर भी यूट्यूब पर भी है, इसको इसको बे झिझक ट्राइंगल मार्क करेंगे, बोलेंगे ABCDE यहाँ पर, और ये ट्राइंगल नहीं है फ्रेंड्स। किसी दिन आराम से बात करेंगे इसके ऊपर, मैं आपके लिए पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा, लर्निंग वीडियो बनाऊंगा क्यों ये ट्राइंगल नहीं है। वैसे हमारी लर्निंग सीरीज बहुत चालू है, ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप हमारा पूरा लर्निंग सीरीज अभी चालू है, कल सुबह 7 बजे उसका नेक्स्ट वीडियो निकलेगा, जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त वीडियो है। और आपकी जहां जहां गलतियां होती हैं, आप जहां जहां गलती करते हैं, एक टिपिकल ट्रेडर जनरली जो गलतियां करता है उन सब गलतियों को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की, और आगे जितने भी वीडियोस बनाऊंगा मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो हम ट्रेडर्स गलतियां करते हैं, जो हम ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं, मैं उन मिस्टेक्स को ही एड्रेस करूं।
देखिए मैंने खुद गलती कर करके सीखी है और मुझे मालूम है कि कहाँ पर अपना पांव जो है गड्ढे में गिरेगा। तो मैं आपको उसके ऊपर पूरी सीरीज बना के दूंगा, आप बस साथ में रहिए। तो ये एंजल वन एक और स्टॉक जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो एक और स्टॉक है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो इंडस्ट्री भी देखिए फ्रेंड्स काफी अच्छा मूवमेंट आज दिखाई, यहाँ पे देखिए एक ठहराव दिखाई दे रहा है गिरने के बाद, और यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए आप अगर वॉल्यूम्स के पैटर्न को भी पहचानोगे तो जितने भी रेड वॉल्यूम्स रेड कैंडल है उसमें वॉल्यूम्स उतनी ज्यादा नहीं है, और अगर आप ये वॉल्यूम्स की बिल्डिंगे देखेंगे तो आपको ये ब्लू बिल्डिंग्स ज्यादा दिखाई देंगी। तो जमुना ऑटो भी एक स्टॉक है जो अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हैं आप। ये देखिए एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई है, तो इसको भी अपने वॉचलिस्ट पर रखिए, हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट आपको मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। जय हिंद जय भारत।